आदाब नमस्कार, सहारनपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद शौकीन, पेश है आज दिन भर के समाचार। सरसावा पुलिस एवं सर्विलांस की टीम ने आज मुठभेड़ में 25,000 के दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि सरसावा थाना क्षेत्र में टावर पर लूट करके बदमाश भाग रहे हैं, जिसको रोकने पर उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी गई, जिसमें एक पुलिसकर्मी मोहित घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए गोली चलाए जो बदमाश के पैर में जा लगी। बदमाशों के पास से टावर से लूटा गया सामान भी बरामद हुआ है। घायल बदमाश शातिर किस्म का अपराधी है। पकड़े गए बदमाशों की पहचान रियासत उर्फ भूरा पुत्र यामीन व सुडा उर्फ सादा पुत्र सफी निवासी सुनहटी कैराना जिला शामली के रूप में हुई है। थाना सरसावा क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुआ है। दो बदमाश जिनका नाम रियासत और सदा, दोनों थाना खैराना के रहने वाले हैं, सुनेटी ग्राम का। ये लोग पिछले दिनों हमारे यहाँ जो सेलफोन टावर से बैटरी चुरा रहे थे, इनके साथ ही एक पकड़ा गया था और काफ़ी मात्रा में बैटरी भी बरामद हुआ है। ये दो लोग और इनके साथ ही एक और तीन लोग वांटेड थे उस केस में, जिसमें पुलिस इनके जानकारी मिलते ही तुरंत एक्शन में आई है और इन्हें गिरफ्तारी करने के प्रयास किया है। पुलिस पार्टी पे तुरंत तत्काल इन लोगों के द्वारा फायरिंग किया गया है और चेतावनी देने के बाद भी फायरिंग इन्होंने चालू रखा है। जैसे हमारे सिपाही घायल हुआ तो फिर जवाबी अपने सेल्फ डिफेंस पर फायर किया गया, जिसमें दो बदमाशों को गोली लगी है। तत्काल पुलिस उनको हिरासत में लेके हॉस्पिटल में इलाज हेतु भेज दिया गया है। अभी तीनों तो बदमाश और कांस्टेबल तीनों सेफ है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। दलित उत्पीड़न की घटनाओं पर अंकुश लगाए जाने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के कार्यकर्ताओं ने आज जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन कर राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। इस दौरान मीन बॉडी के जिला अध्यक्ष शशिवालिया, अनुसूचित जाति विभाग के जिला अध्यक्ष अरविंद पालीवाल सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेश सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आज नगर के सभी चर्चों में ईसाई समाज के लोग बड़ी जोर शोर से तैयारियों में जुटे रहे, जिसमें नगर के चर्च कंपाउंड स्थित सेंट थॉमस चर्च में भी बच्चों से लेकर बड़े तक चर्च में तैयारियां करने में लगे रहे। इस दौरान फादर डेनियल मसीह ने सभी जिला वासियों को क्रिसमस की बधाई देते हुए क्रिसमस पर होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। संध्या
का यह पूर्व दिन है क्रिसमस का, कल 25 को सुबह 10 बजे सभी चर्चों में जो है हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस मनाया जाएगा। पूरे दिन जो है लोग आएंगे, शाम तक रात्रि तक सभी चर्चों को बहुत अच्छी तरीके से सजाया जाएगा। आप देख सकते हैं, यहाँ भी आपने देखा होगा कि अभी जो है हमारे बच्चे आकर के चर्च को डेकोरेट कर रहे हैं, और आज रात्रि में लोग क्रिसमस का केक बनाएंगे। क्रिसमस का केक जो है अपने आप में वो दिखाता है कि किस प्रकार से लोग अच्छे घर में पकवान बना करके खुशी मनाना चाहते हैं, शांति लेकर के आना चाहते हैं, और धन्यवाद देना चाहते हैं उस यीशु का जिसने जन्म लेकर के जो जो पाप क्षमा किए हैं उनके प्रति धन्यवाद भी देना चाहते हैं और आनंद भी मनाना चाहते हैं। इस प्रकार से चर्च को, ये सेंट थॉमस चर्च है, यहाँ पर जो है तारावती के सामने ये शहर का सबसे पहला और बहुत ही जो है हेरिटेज की तरह से एक ये जो चर्च है। और एक जो है बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है मेंजेरिया, जो है चरनी, जिसमें प्रभु यीशु मसीह गौशाला में, जहाँ जो है उनको जगह नहीं मिली जब उसके माता पिता के मेले में गए हुए थे, तो वहाँ जब वो अपने जनगणना से में कर रहे थे तो जो लोग भर गए थे पूरे, जब उनको जगह नहीं मिली, अब जब जन्म होने वाला था तो उस वक्त में वो जाकर के चरनी में चले गए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को छोटी सी चरनी में बच्चे के रूप में दिखाते, उसे क्रिब्स भी कहते हैं। अब आगे देखो, और मैं एडवांस में पूरे अपने सहारनपुर शहरवासियों को, जनपद देशवासियों को मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस। खान आलमपुरा स्थित मदरसा तालीमुल कुरान में आज खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मदरसे के छात्रों को टीके लगाए गए। इस दौरान जमा मस्जिद के प्रबंधक मौलवी फरीद मजाहिरी ने मुस्लिम समाज के लोगों से अफवाहों पर ध्यान ना देकर सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान को शत प्रतिशत सफल बनाने का आह्वान किया। उस वक्त भी कुछ अफवाहें थी। अफवाहों का एक नुकसान होता है, जो पोलियो हम केवल 5 साल में खत्म कर सकते थे उसको हमने खत्म करने में 15 साल ले लिए। उस 15 साल का नुकसान ये है 10 साल का, कि बीमारी हमारे बीच बनी रही और सरकार मुल्क का हमारा काफी पैसा, वो पैसा हमारा ही है जो सरकार पे है, हमारे अच्छे के लिए खर्च होता, वो उसका कोई इलाज नहीं है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। इससे बचाव के टीके लगाएं, आपस में सहयोग करें, हमारा सहयोग दें, आप अपने गली मोहल्ले में जाकर आप भी बताएं। ज्वाला नगर स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल में आज क्रिसमस के पर्व पर आयोजित कार्यक्रम बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसका शुभारंभ सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक केएल अरोड़ा स्कूल प्रबंधक सुरेंद्र चौहान ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप जलाकर किया, जिसके बाद नन्हे मुन्ने बच्चों ने सेंटा क्लॉज का ड्रेस पहनकर एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।